ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद भारतीय सिनेमा और टीवी सीरियल का चेहरा बदल गया है। सेक्स और वायलेंस उसके प्राइम हथियार है, मगर आज भी कुछ ऐसे सर्जक भी हैं जो सेक्स और वायलेंस का सहारा लिए बिना अच्छी वेब सीरीज या अच्छी वेब फिल्म बनाते हैं जो ओटीटी पर रिलीज होती है। ऐसी ही एक वेब सीरीज आई है, शेखर होम। आपने शेरलॉक होम्स का नाम तो सुना ही होगा। उसी की वेब सीरीज या उसी की सीरीज पर आधारित, मैं यहां रीमेक की बात नहीं कर रहा हूं, इस वेब सीरीज को शेरलॉक होम्स की वेब सीरीज से एडेप्ट किया गया है और भारतीय भाषा हिंदी क्राइम थ्रिलर आई है शेखर होम। 6 एपिसोड की ये वेब सीरीज, ऐसे देखा जाए तो पहले 2 एपिसोड की कहानी अलग अलग है, बाद में 2-2 एपिसोड की एक कहानी है, तो कुल मिलाकर 6 एपिसोड, 4 कहानी और मुख्य किरदार के मैनन रणवीर शौरी, साथ में जुड़ते हैं रसिका दुग्गल और कीर्ति कुल्हाड़ी और शेरनाज पटेल। दोस्तों, ये बहुत ही साफ सुथरी वेब सीरीज है। मर्डर मिस्ट्री है, क्राइम ड्रामा है, सस्पेंस है, मगर आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। वेरी वेल मेड वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो शेखर होम जरूर देखें। वेब सीरीज की बात की जाए तो वेब सीरीज की जो सबसे अच्छी बात है वो उसके जो मुख्य किरदार है के मैनन और रणवीर शौरी, बहुत ही बढ़िया दोनों ने एक्टिंग की है। अंत तक, मतलब लास्ट जो एपिसोड है, 6th एपिसोड, उसके अंत तक आप जो सस्पेंस है वो गैस भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही रसिका दुग्गल 2 एपिसोड में आती है, मगर उन्होंने लाजवाब काम किया है, और कीर्ति कुल्हाड़ी भी ठीक ठाक लग रही है, मगर ओवरऑल बात की जाए तो वेब सीरीज में एक्टिंग बहुत अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है और फिल्म में साउंड का जो उपयोग किया गया है वो अद्भुत है। हम जिसे रवानुकारी शब्द बोलते हैं, जैसे डेंटेन, वैसे तो वो साउंड है मगर हम उसको शब्द में बयान करते हैं, ऐसे रवानुकारी शब्द का फिल्म वेब सीरीज में भरपूर उपयोग किया गया है। जैसे जो मुख्य किरदार है शेखर होम, वो ये साउंड जहां जहां यूज करते हैं उसका एक मीनिंग होता है, उसका एक अर्थ होता है, तो ये एक नया चलन आया है मेरे हिसाब से वेब सीरीज में कि ऐसे रवानुकारी शब्द का बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग किया गया है। अगर सर्जकों की बात की जाए तो ये फिल्म, ये वेब सीरीज जियो सिनेमा पे 14 अगस्त को रिलीज हो चुकी है और उसके निर्देशक है रोहन सिप्पी और सृजित मुखर्जी। प्रत्येक एपिसोड की जो लेंथ है, ड्यूरेशन है, वो 37 मिनट से लेकर 47 मिनट तक है, मतलब 6 एपिसोड का कुल जोड़ा जाए तो करीब 240 मिनट, यानी 4 घंटे की ये वेब सीरीज है, मगर आपको एक पल भी ऐसा नहीं मिलेगा जब आपको लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं। दोस्तों, हम दूसरी बात गुजराती सिनेमा की बात भी करते हैं, बॉलीवुड की बात भी करते हैं। हाल ही में मैंने हिंदी फिल्म खेल खेल में की बात की थी, जो रीमेक की भी रीमेक थी, मगर ये जो वेब सीरीज है वो रीमेक नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ ये रीमेक नहीं है, ये एडेप्टेशन है। उसका जो सिद्धांत है शेरलॉक होम्स का, उसको पकड़ कर पूरा इंडियनाइज करके ये वेब सीरीज बनाई गई है। अगर आप अच्छी वेब सीरीज के शौकीन है तो ये वेब सीरीज शेखर होम जरूर देखें। आज का एपिसोड पूरा करने से पहले फिर एक बात दोहराऊंगा, मेरे पास माँ है, सिनेमा।